जी को बताना, 15 ईयर्स से मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, बहुत स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और हर आर्टिस्ट, आपने भी स्ट्रगल किया, मैंने भी स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रत्युषा हमारी दोस्त थी और मेरा अलग अंदाज़ा है, एक अलग अलग है। मैं फ़ैन का, मैंने कहा कि मुझे इतना शॉक लगा है प्रत्युषा का जो इंसिडेंस हुआ है। और मैं ये मेरा सोचना है कि सीलिंग फ़ैन बंद करो और टेबल फ़ैन लगाओ, ये मेरा सोचना है। तो मैंने इतनी मेहनत करके यहाँ पे आई और आपने एक शब्द कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, हम इनको बैन कर देंगे और हम इसको इंडस्ट्री से निकाल देंगे। तो सिंटा का तो ये काम है ही नहीं। करेक्ट, सिंटा का तो ये काम है ही नहीं कि किसी भी आर्टिस्ट को बैन नहीं कर सकते और किसी को भी ऐसा पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि हम आपको निकाल देंगे। Correct. ये सच है। करेक्ट, तो आपको पता है कि ये मेरे करियर में कितना डैमेज हुआ है। मेरी माँ हॉस्पिटलाइज हुई, उन्हें अटैक आया है कि मेरी बेटी को क्या काम नहीं कर सकती। मेरी माँ हॉस्पिटलाइज हुई, शी इज़ एट होम अभी, मैं लेकर आई हूँ, मेरे काम पे फ़र्क पड़ा, मुझे कितना डैमेज हुआ है। इसलिए मैंने कहा, आपको कहा, सिंटा को कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आप अपॉलॉजी या पूरी मीडिया के सामने नहीं करेंगे तो आई एम गोइंग टू सू, या फिर मैं आत्महत्या, मेरे करने के दिन आ गए। जिस फैन को मैं हटाने की कोशिश कर रही थी, उसी फैन पे मेरे लटकने के दिन आ गए। करेक्ट, तब जाके आप लोगों ने ये स्टेप उठाया कि नहीं, वी विल डू द अपॉलॉजी। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जो राखी जी ने कहा मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, और मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, और मैं आपसे और डॉली जी से एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी और एक माफ़ी चाहता हूँ, और आई रिग्रेट व्हाटएवर स्टेटमेंट। हमें इतना डैमेज हुआ है जी, अमित जी जी, व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक जी, ऐसा कोई अखबार नहीं है जहाँ पे हमें धब्बा नहीं लगाया गया। इन फ्यूचर मेरा पॉलिटिक्स का करियर हो सकता है, मैं स्पीच देती हूँ हर जगह जाके, कौन बिलीव करेगा मेरे स्पीच पे? क्योंकि आपने कहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट किया, मैंने कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया। क्या मुझे लोकतंत्र में क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? अगर ये मेरी सोच है फैन हटाना, तो कोई कौन होता है मुझ पर ब्लेम करने वाला? करेक्ट, करेक्ट। तो कितना बड़ा धब्बा लगा है, कितना बड़ा डैमेज हुआ मेरी लाइफ को, तो अभी ये कैसे भुगतान होगा आप मुझे बताइए। ये धब्बा हटाइए आप मेरी जिंदगी से। मैं राखी जी, सिर्फ इतना मैंने अपने ईसी मेंबर्स को ये भी कहा है कि वो जिस तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन मेरे पर लेना चाहें, क्योंकि मैंने एक ऑफिशियल कैपेसिटी पर ये एज अ स्टेटमेंट किया है, और मैं इस बात को, मैं मेरे ध्यान में नहीं आया कि मैं किसी दो व्यक्तियों के करियर पर और उनके फ्यूचर पर, सिर्फ एक्टिंग करियर नहीं, आगे जाके आप कुछ और भी करना चाहेंगे, आप या डॉली जी बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं, उसमें भी एक इफ़ेक्ट हो सकता है, और हो सकता है कि ये आगे जाके कोई मेरे बारे में भी ये स्टेटमेंट करे, मेरे करियर में भी इफेक्ट हो सकता है। मेरे पास अभी सिर्फ दो ही ऑप्शन है, आपने अपॉलॉजी बोला है जी, और ये मीडिया सब छापे, पूरे देश को बताया, क्योंकि मेरी बहुत बदनामी हो गई है। मैंने कभी भी कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, आइदर मेरा ये दाग नहीं धुला तो आइदर आई डू सुसाइड, आइदर मैं आप पे केस ठोकूं इतने सारे करोड़ों का, मेरा ये दाग धुल जाए। मैंने कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया है, मैं सिर्फ अपनी दोस्त को न्याय दिलाने के लिए ये मैंने स्टंट, मतलब ये किया, दैट इज़ वो मेरा पर्सनल था। आई एग्री। तो मैं आप एक्चुअली मैं सिर्फ आपसे और मीडिया से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो डैमेज मेरे तरफ से हुआ है, और जो 22 साल से ज़्यादा जितने लोग मीडिया में मुझे जानते हैं, और उससे पहले भी जो लोग मेरे थिएटर करियर को, अगर उनको लगता है कि मेरी बात में अगर रत्ती भर भी ऑनेस्टी है, और मैंने किसी भी इंटेंशन की वजह से ये नहीं किया, लेकिन गलती हुई है, मैं इसको रिग्रेट करता हूँ, अगर इसको ये सारे व्यूअर्स, रीडर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तक पहुँचा दें, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू द मीडिया कि मेरी इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करें, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचा दें, ताकि दिस मैटर इज़ सॉल्व, और हम लोग, राखी जी भी आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ें, और डॉली जी के भी करियर को, डॉली जी के भी सिंटा का काम क्या है, आर्टिस्ट और प्रोड्यूसरों के बीच में एक जी सीढ़ी बनाना, जी जी, दोनों को बैलेंस करके करना, ना कि आर्टिस्टों को बैन करना। करेक्ट। हमें, मेरे राखी सावंत के लिए कोई जेल नहीं बनी, और ना ही कोई मुझे बैन कर सकता है। मैं अपनी मेहनत से आई हूँ, मैं अपनी मेहनत से ठोकरें खा के यहाँ तक बढ़ी हूँ, मुझे कोई बैन नहीं कर सकता, ना ही मेरे लिए कोई जेल बनी है। करेक्ट।
Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.